मॉनसून सत्र के पहले दिन आदिवासी दिवस को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ, जहां कांग्रेस विधायकों ने शिवराज सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया, तो वहीं इसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर के साथ ही सदन में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। देखिए, ये सब चलता है आरएसएस के कहने पे। पूरा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बताए हुए सड़क गल्ले मार्ग पे चलना चाहती है। उन्हीं का एजेंडा रहता है कि कब आदिवासी भाई बहनों को गले लगाओ, कब अंबेडकर जी को अपना बनाओ, कब सरदार पटेल को अपना बनाओ और मौका निकल जाए तो तस्वीर से निकाल के बाहर फेंक दो। 2 करोड़ आदिवासी इस प्रदेश में हैं, आदिवासी प्रदेश माना जाता है, उनके साथ अन्याय। सारा वर्ग आक्रोशित है। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वहाँ आदिवासी भाई बहन इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग 1 बजे वहाँ जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो लोग दिवंगत हो गए इनके प्रति श्रद्धा है मन में, लेकिन जो जिंदा हैं, जो जीवित हैं आदिवासी, उनको मौत के मुंह में झोंका जा रहा है, ये कैसे सहन होगा? श्रद्धांजलि 1 घंटे बाद हो जाएगी, 2 घंटे बाद हो जाएगी, लेकिन जो जीवित आदिवासी हैं उन्हें मौत के मुँह में झोंक रहे हो, उनके झोपड़े तोड़ रहे हो, पट्टे बेदखल कर रहे हो, ये थोड़ी बर्दाश्त होगा। हम आप सबका सबको नमस्कार करता हूं, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है और उस विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मना रहे हैं लोग, और मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों का जो 9 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण है वो उत्साह मनाते, मिलना जुलना सब होता है, पर इस मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने वो 9 तारीख के आज उन्होंने बनाने से कैंसिल कर दिया और पूरे जिलों में 144 धारा लगा दी। ऐसा कौन सा वादा था कि अपना पूरे आदिकाल से मतलब लोग मनाते आ रहे हैं, पूरे विश्व मना रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों मतलब मुख्यमंत्री जी ने किया, शिवराज जी ने किया, 144 धारा लगा दी और जो भी 5 से ज़्यादा आदिवासी इकट्ठे उसको गिरफ्तार कर लो, ये सारी चीज़ें, तो उसका हमारी घोर आपत्ति है। इस बात को हमने विधानसभा में कहा, बाहर भी कहा, तो ये सरकार कुल मिलाकर आदिवासी विरोधी है। तो मेरा ये प्रश्न था कि कोरोना योद्धा जो हमारे सिपाही, जो आरक्षक, जो हमारी पुलिसिंग जो लगी हुई थी कोरोना युद्ध की, उनको उपाधि दी गई, 156 जो कोरोना कोरोना में काल के गाल में वो समा गए। मैंने प्रश्न पूछा था कि आपने 156 में से कितने सिपाहियों को, उनके परिवारों को, जो सिपाही हमारे जो दिवंगत हो जा चुके हैं उनके परिवारों को कितनों को अनुकंपा नियुक्ति दी है और कितनों को 50-50 लाख रुपए दिए हैं, तो जानकारी चौंकाने वाली आई है, मात्र 7 परिवारों को, 7 शहीद जो हुए हमारे सिपाही, जो केवल उनको 7 परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति या 50-50 लाख रुपए दिए गए हैं, 27 प्रकरणों को तो निरस्त कर दिए गए, बाकी में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो यह सरकार जिस तरह से विधायकों के अधिकारों का भी हनन कर रही है और कोरोना युद्ध थे उनके अधिकारों का भी हनन कर रही है, मध्य प्रदेश की जनता के सब तरह के अधिकारों का हनन कर रही है, और इसकी जो लड़ाई अभी 10, 9 और 11 तारीख 12 तारीख तक जो विधानसभा चलेगी, हम इस बात को उठाएंगे। विधानसभा की कार्रवाई 9 अगस्त के बजाय 10 अगस्त से भी बुलाई जा सकती थी, लेकिन जानबूझ के शिवराज सिंह जी ने और भाजपा ने 9 अगस्त से यह कार्रवाई, विधानसभा की कार्रवाई और विधानसभा को आहूत किया है। इससे स्पष्ट होता है कि ये शिवराज सिंह जी की सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, यह हमारा कहना है। कांग्रेस जन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी और ये बीजेपी की शिवराज सरकार ने दलित वर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। आज आदिवासी दिवस है, आदिवासियों को भी सम्मान नहीं किया, दलितों का भी, अनुसूचित जाति का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस सड़कों पे आई है, गिरफ्तारी दे रहे हैं हम लोग और विधानसभा में भी लड़ाई को लड़ेंगे। आदिवासी दिवस को खत्म कर दिया मध्य प्रदेश में, आज आदिवासी, कमलनाथ जी ने कहा, आदिवासी दिवस को खत्म कर दिया उन्होंने।